सोबेन हागा मिशिको ओड़ो भाई बहन मन के जोहार मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मैं आज बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में संगठन का दायित्व संभालता था तो मुझे इस बात को गर्व से कहना चाहिए कि करिया मुंडा जी की उंगली पकड़ करके संगठन शास्त्र को मैंने सीखा था। अनेक वर्षों तक उनके साथ काम करने का मुझे सौभाग्य मिला। हर परिस्थिति में प्रसन्न चित्त करिया मुंडा जी के साथ लोक संग्रह कैसे किया जाता है, दूर सुदूर गांवों की ओर देखने का दृष्टिकोण क्या हो सकता है, घंटों तक उनके साथ चर्चा विचार विमर्श करते करते मुझे सीखने का सौभाग्य मिला। और आज मुझे खुशी है कि उनके मार्गदर्शन में हम फिर एक बार झारखंड के भाग्य को संवारने के लिए पूरी ताकत के साथ मेहनत कर रहे हैं। मंच पर विराजमान केंद्र सरकार में मेरे साथी श्रीमान अर्जुन मुंडा जी, अर्जुन मुंडा जी का अद्भुत और प्रेरक भाषण सुनने के बाद मैं नहीं मानता हूं कि मेरे भाषण की कोई जरूरत है। जिस तर्क के साथ, जिस सहजता के साथ यहां की मिट्टी को गौरव दिलाने वाली भाषा के साथ उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए आह्वान किया है, मुझे विश्वास है कि जिस धरती पर ऐसा नेतृत्व हो वहां कमल कभी मुरझा नहीं सकता है। कुछ दिन पहले ही देश ने भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती मनाई है। आज जब उनकी धरती पर मैं आप सभी के बीच आया हूं तो एक बार फिर भगवान बिरसा मुंडा को नमन करता हूं। और मैं दूर दूर देख रहा हूं टीना भगत परिवार के लोग भी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने आए हैं। महात्मा गांधी को आज भी, महात्मा गांधी के मार्गदर्शन को आज भी गांव गली जंगलों के अंदर चैतन्य देने का काम टीना भगत परिवार कर रहा है। मैं उनको आदरपूर्वक नमन करता हूं। जिस धरती ने भगवान बिरसा मुंडा के रूप में एक प्रेरणा पुरुष देश को दिया, वहां पर ऐसा अभिभूत करने वाला स्नेह पाना, इतने आशीर्वाद प्राप्त करना, इतनी बड़ी तादाद में माताओं बहनों का आना, मेरे लिए जीवन का इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। आज 3 दिसंबर परमवीर चक्र एल्बर्ट एक्का को
वीर गति को प्राप्त हुए, मैं इस धरती के वीर सपूत को नमन करता हूं। साथियों, आपने भाजपा के प्रति, हम सभी के प्रति अपने प्रेम में कभी कमी नहीं आने दी है, और इसलिए एक प्रधानमंत्री के तौर पर, उसके पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर भी, और उसके पहले भाजपा के संगठन का काम करता था तब भी, बार बार झारखंड मुझे खींच के ले आता था, बार बार आने का मन करता था। ये आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद ही है जिसके कारण ये भाव मेरे मन में हमेशा बना रहता है। यहां खूंटी में भी प्रधानमंत्री बनने के बाद ये मेरा दूसरा दौरा है। भाइयों और बहनों, पहले चरण में जिस प्रकार झारखंड के लोग वोट डालने मतदान केंद्र पर पहुंचे, भारी मात्रा में मतदान किया, उस प्रथम चरण के मतदान के लिए मैं झारखंड के उन मतदाताओं का भी अभिनंदन करता हूं, उनकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। पहले चरण के मतदान से तीन बातें स्पष्ट हुई हैं। पहली, लोकतंत्र को मजबूत करने और राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान के प्रति झारखंड के लोगों की आस्था अभूतपूर्व है। दूसरी बात, जिस प्रकार भाजपा सरकार ने नक्सलवाद की कमर तोड़ी है, उसे बहुत ही छोटे इलाके तक समेट दिया है, उससे डर का माहौल कम हुआ है, विकास का माहौल बना है। हालांकि 30 नवंबर को निराशा में डूबे लोगों ने, ऐसे लोगों ने जिन्हें झारखंड की जनता नकार चुकी है, पहले चरण के मतदान के समय यहां माहौल खराब करने की बहुत कोशिश की। पूरे देश ने इसे देखा है, लेकिन झारखंड के लोगों ने इन कोशिशों को नाकाम कर दिया। आप बधाई के पात्र हैं। भाइयों और बहनों, पहले चरण के मतदान के बाद तीसरी बात ये भी स्पष्ट हुई है कि झारखंड के लोगों में भाजपा सरकार के प्रति, कमल के फूल के प्रति एक विश्वास की भावना है। ये भाव है कि झारखंड का विकास अगर कोई दल कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। यही भावना मुझे यहां खुट्टी में भी दिखाई दे रही है। साथियों, आज झारखंड के लोग ये देख रहे हैं कि दिल्ली और रांची में डबल इंजन लगाने से विकास की गति तेज भी होती है और स्थायी भी होती है। अर्जुन मुंडा जी ने सही कहा कि दिल्ली ने राज्य तक, गांव तक विकास को पहुंचाया और रांची की समय भाजपा सरकार ने उसे घर घर ले जाने के लिए पूरी जिम्मेवारी के साथ काम किया। और इसलिए
यहां की जनता सहज रूप से कह रही है, सहज रूप से नारा बोला जा रहा है, झारखंड पुकारा भाजपा दोबारा, झारखंड पुकारा भाजपा दोबारा। भाइयों और बहनों, झारखंड के विकास के लिए भाजपा की वापसी जरूरी है। आज झारखंड के हर व्यक्ति को केंद्र और झारखंड सरकार की किसी न किसी योजना का सीधा लाभ पहुंच रहा है। बिना किसी वर्ग के भेदभाव के, बिना किसी जाति के भेदभाव के, बिना किसी पंथ के भेदभाव है, हर झारखंडवासी के विकास के लिए समान भावना से हम काम कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ही हमारा मूल मंत्र है। साथियों, आज उन क्षेत्रों में भी बिजली का तार पहुंचा है जिन गांवों में पहुंचना तक मुश्किल था। आज वो क्षेत्र भी सड़क से जुड़ रहे हैं जहां कभी विरोधी दल के नेता झोंकते भी नहीं थे। आज उन जनजातीय क्षेत्रों में भी पानी की पाइप पहुंच रही है जिनको कांग्रेस जेएमएम की सरकार ने अपने हाल पर छोड़ दिया था। आज उन गरीब पिछड़ों और आदिवासी परिवारों को भी अपना घर मिल पा रहा है जिनको कांग्रेस जेएमएम की सरकारों ने झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर कर रखा था। साथियों, 2015 में जब मैं खूंटी आया, यहां कोटक में सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन करने का भी मुझे अवसर मिला था। तब तक यहां सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन अजूबा लगता था, सपने सी भी लगती थी वो बात। लेकिन 5 वर्ष बाद आज झारखंड में करीब करीब 40 मेगावाट सौर ऊर्जा तैयार की जा रही है। इतना ही नहीं, छतों पर सौर ऊर्जा के पैनल लगाकर भी सस्ती और अच्छी बिजली आज यहां उपलब्ध हो रही है। अब तो गेतलसूद और धुरवा डैम पर देश का सबसे बड़ा तैरता सौर पावर प्लांट भी बनने जा रहा है। इससे यहां के गांव गांव तक पर्याप्त और सस्ती बिजली पहुंचाने में मदद मिलेगी। साथियों, सौर ऊर्जा के साथ साथ यहां खूंटी को ओडिशा के पारादीप से पाइपलाइन से जोड़ा गया है। यहां IOCL का टर्मिनल भी तैयार हो चुका है। अब दक्षिण झारखंड को यहीं से तेल की सप्लाई होती है। इसी तरह डिफेंस यूनिवर्सिटी हो, नॉलेज सिटी हो, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट इस पूरे क्षेत्र में शिक्षा, कौशल और रोजगार के नए अवसरों का निर्माण करने वाले हैं। भाइयों और बहनों, दिल्ली और रांची में भाजपा का डबल इंजन किसानों और आदिवासियों का जीवन आसान बनाने का काम कर रहा है। यहां के सभी किसान और खेती से जुड़े आदिवासी परिवारों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत सीधी मदद जमा की जा रही है। इसके साथ साथ छोटे किसानों के खाते में राज्य सरकार की तरफ से भी 5,000 से 25,000 रुपये तक अतिरिक्त दिया जा रहा है। वरना आपके पड़ोस में जहां भाजपा की सरकारें नहीं हैं, वहां की स्थिति आप देख लीजिए। वहां किसानों के साथ, आदिवासियों के साथ, पिछड़ों के साथ झूठे वायदे करके कांग्रेस और उसके साथी दलों ने
सरकारें तो बना ली, लेकिन अब वादा पूरा करने से दूर भाग रहे हैं। उन राज्यों में झूठ बोल करके कांग्रेस वाले बैठ गए, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ा है। साथियों, झारखंड ये भली भांति जानता है कि कांग्रेस जेएमएम की राजनीति छल और स्वार्थ की राजनीति है, जबकि भाजपा कर्म और सेवा भाव से काम करती है। लोकसभा चुनाव के दौरान जब हम आपके बीच आए थे, यहां अर्जुन मुंडा जी आपके पास आए थे, तो हमने आपके सामने कुछ संकल्प लिए थे। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ सभी किसान परिवारों को देने का संकल्प था, ये वादा हमने पूरा कर लिया। छोटे किसानों, खेत मजदूरों, छोटे दुकानदारों को 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन की सुविधा देने की बात कही थी, ये वादा भी पूरा कर लिया गया। बल्कि इन योजनाओं को भी यही झारखंड से ही लॉन्च किया गया था। पशुओं को मुंह और खुर की बीमारियों से बचाने के लिए मुफ्त टीकाकरण का अभियान भी शुरू हो चुका है। आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोलने का राष्ट्रीय अभियान भी यही झारखंड से शुरू किया गया है। नक्सली हमलों में शहीद होने वाले पुलिस और केंद्रीय बलों के जवानों के बच्चों को स्कॉलरशिप देने का अहम फैसला भी लिया जा चुका है। इसका लाभ झारखंड में शहीदों के परिवारों को भी मिलने लगा है। ऐसे अनेक मुद्दों के साथ साथ दशकों से चल रही राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान का संकल्प भी सिद्ध हो रहा है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 अब हट चुका है। अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को विकास और विश्वास के पथ पर ले जाने की जिम्मेदारी आदिवासी अंचल में ही जन्मे, पले बड़े उपराज्यपाल जी के कंधे पर है। इसी तरह राम जन्मभूमि को लेकर जिस विवाद को कांग्रेस और उसके सहयोगियों की सरकारों ने लगातार लटकाए रखा, वो भी शांतिपूर्ण ढंग से हल हो गया। और भगवान राम तो जब अयोध्या से निकले थे तब तो वो राजकुमार थे, लेकिन जब अयोध्या वापिस आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बन गए थे। ये कैसे हुआ? एक राजकुमार अयोध्या से निकलता है, 14 साल वनवास में रहता है, और जब वापिस लौटता है तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बन जाता है, क्योंकि 14 साल राजकुमार राम ने आदिवासियों के बीच में बिताए थे, आदिवासियों ने उनको संस्कारित किया। ये देन है आदिवासियों की, ये योगदान है आदिवासियों का। और भाइयों बहनों, इतने लंबे काल से अटकी हुई चीजें जिसे अटकाने के लिए
राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित लोगों ने अड़ंगे डाले, लेकिन हमने देश में शांति, एकता, सद्भाव के लिए समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास प्रारंभ किया और सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे अनेक वादे जो हमने आपसे किए थे वो आज जमीन पर उतर चुके हैं। यही कारण है कि आज झारखंड को भाजपा पर भरोसा है, कमल के फूल पर भरोसा है। भाइयों और बहनों, भाजपा की केंद्र की सरकार और झारखंड की सरकार ने यहां के गांवों में, जनजातीय अंचलों में हमारी बहनों को सशक्त करने पर बल दिया है और इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें आशीर्वाद देने के लिए आई हैं, ये उसी का तो सबूत है। अनेक बहनें यहां मौजूद हैं जो सखी मंडल से जुड़ी है या जिनको मुद्रा योजना के तहत अपना व्यापार कारोबार करने में सहायता मिली है। किसी बहन को गाय खरीदने के लिए मदद मिली है, किसी को कपड़े सिलाने का कारोबार करने के लिए मदद मिली है, तो किसी को दूसरे हस्तशिल्प के लिए सहायता दी गई है। यहां खूंटी में विधानसभा में ही 3000 से अधिक सखी मंडल बनाए गए हैं जिनके तहत 40000 से अधिक परिवार जुड़े हैं। यहां के हजारों बहनें आज इसके माध्यम से आजीविका कमा रही है। आने वाले वर्षों में माइक जरा ठीक कर लिए भाई, आने वाले वर्षों में भाजपा की सरकार की कोशिश है कि हर घर से एक महिला सदस्य इस आंदोलन का हिस्सा बने, ताकि वो अपने परिवार की आय के साधन भी बढ़ा सके और देश के विकास में भी भागीदार बन सके। स्वच्छ भारत अभियान के तहत यहां घर घर शौचालय तो बने ही हैं, साथ में यहां की बहनों ने रानी मिस्त्री के रूप में भी नाम कमाया है। और ये रानी मिस्त्री की बात जब मैं दुनिया में कहीं कहता हूं तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, मुझे पूछते हैं। आज पूरे देश में इसकी बहुत चर्चा है। साथियों, झारखंड देश के उन राज्यों में है जहां बहनों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ तेजी से भी मिला है और डबल लाभ भी मिला है। जैसे उज्ज्वला योजना के तहत बाकी देश में एक मुफ्त सिलेंडर मिला, वहीं झारखंड में दो सिलेंडर दिए गए। यहां की भाजपा सरकार ने आपको डबल बेनिफिट दिया है, इससे आपको धुएं से भी मुक्ति मिल रही है, आपका समय भी बच रहा है और आपका वातावरण भी प्रदूषण से बच रहा है। साथियों, भाजपा सरकार आदिवासी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है, क्योंकि आदिवासी हितों की रक्षा में भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। ये अटल जी की ही भाजपा सरकार थी जिसने जनजातीय समुदाय के लिए अलग झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों का गठन किया। भगवान बिरसा मुंडा को सच्ची श्रद्धांजलि 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड को जन्म दे करके, झारखंड को नई सरकार दे करके बनाया। ये अटल जी की ही भाजपा सरकार थी जिसने आजादी के बाद पहली बार जनजातीय समुदाय के लिए अलग से मंत्रालय बनाया और आज अर्जुन मुंडा उसके मंत्री है। भाइयों बहनों, और अब झारखंड की उम्र 19 साल हो गई है।
दुनिया के अंदर 19 टीनेज की चर्चा होती है, टीनेज। अब जब घर में भी बच्चों की उम्र जरा 19 साल हो जाती है ना, तो माँ बाप जरा सजग हो जाते हैं और माँ बाप सोचते हैं कि अब महत्वपूर्ण समय जिंदगी का शुरू हुआ है। अब वो लड़कपन, वो हंसी मजाक, हंसना खेलना सब हो गया। अब गंभीरता पूर्वक 19 साल के बेटे या बेटी को उनके भविष्य के लिए माँ बाप सोचने लगते हैं। झारखंड की जनता के लिए भी अब जब झारखंड 19 साल का हो चुका है, तो अब झारखंड के नागरिकों की जिम्मेवारी जितनी है उतनी ही जिम्मेवारी मेरी भी है। आओ हम मिलकर के, हम दोनों मिलकर के, आप और मैं, 19 साल का झारखंड जब 25 साल का हो जाएगा तो इतना ताकतवर बन जाए, इतना समृद्ध बन जाए, इतना सशक्त बन जाए कि कभी पीछे मुड़कर के देखना ना पड़े। इसलिए ये 5 साल 19 साल की उम्र के झारखंड के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। घर में 19 साल के बेटे बेटी के लिए जो समय महत्वपूर्ण होता है, वैसा ही महत्वपूर्ण समय 19 साल की उम्र के झारखंड का भी है। मौका मत गवाइए, मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूं, बस आप मेरा साथ दीजिए। बीते 5 वर्षों से ही भाजपा की सरकार ने आदिवासी समुदाय के विकास के लिए रिकॉर्ड बजट का प्रावधान किया। साथियों, ये भाजपा की सरकार ने जिसने पहली बार आदिवासी क्षेत्रों में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की व्यवस्था की, जिसके तहत अब यहां से निकलने वाले खनिज का एक हिस्सा यहीं के विकास में लगाना पड़ता है। 70 साल में अधिकतर समय तक केंद्र में कांग्रेस की सरकारें रही हैं, जेएमएम सहयोगी के रूप में रही है, लेकिन ऐसी व्यवस्था करने की याद उनको कभी नहीं आई। झारखंड को भी इस डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के तहत करीब 5000 करोड़ रुपए मिले हैं। इस फंड से अब आपके बच्चों के लिए स्कूल, अस्पताल या फिर रोजगार निर्माण से जुड़ी दूसरी सुविधाएं तैयार करने में मदद मिल रही है। आदिवासी हितों के प्रति भाजपा की यही प्रतिबद्धता है, जिसके आधार पर आज झारखंड को भरोसा मिला है कि जल, जंगल और जमीन के आपके अधिकारों पर कोई आंच नहीं आएगी और न ही कोई आंच आने दी जाएगी। यहां की भाजपा सरकार ने 60,000 से अधिक पट्टे दे दिए हैं, बाकी के 30,000-40,000 पर भी सरकार बनने के बाद तेजी से कार्रवाई की जाएगी। साथियों, भाजपा आदिवासी हितों की रक्षा करने, आदिवासी गौरव को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा ने भारत की आजादी में आदिवासियों के योगदान को पूरा देश में प्रचारित और प्रसारित करने का काम किया है। रांची में बिरसा मुंडा संग्रहालय पर काम चल रहा है। पूरे देश में आदिवासी इतिहास, कला, संस्कृति को संजोने के लिए अनेक स्मारक और संग्रहालय बनाए जा रहे हैं। भाजपा ने हर संभव प्रयास किया है कि झारखंड की सुंदरता, यहां के शांतिप्रिय और मेहनतकश लोगों के बारे में देश और दुनिया जाने समझे। हम प्रयास कर रहे हैं कि यहां देश और दुनिया के लोग घूमने फिरने आए, यहां की कला, संस्कृति, यहां के हस्तशिल्प से परिचित हो, यहां का पर्यटन बढ़े, यहां उद्योग लगे, युवाओं को यहीं पर रोजगार के नए अवसर मिले। इसलिए आप सभी को कांग्रेस और उसके साथियों से सावधान रहने की जरूरत है।
उनका इतिहास आपको पता है, उनके कारनामे आपको याद है, उनकी नजर सिर्फ और सिर्फ यहां की प्राकृतिक संपदा पर है, और अगर वो आए तो फिर से झारखंड को लूटना यही उनका एजेंडा है। ये लोग सत्ता में वापसी के लिए इतना छटपटा रहे हैं कि आपके बीच झूठ फैला रहे हैं, डर और भ्रम फैला रहे हैं। ये नहीं चाहते कि यहां उद्योग लगे, यहां पर्यटन समृद्ध हो। उनको पता है कि अगर ऐसा हुआ तो गरीबों के पास पैसा आने लगेगा, जिससे कांग्रेस जेएमएम के नेताओं की कोई पूछेगा नहीं, उनकी कोई कीमत नहीं रहने वाली। मुझे विश्वास है कि आप सभी कांग्रेस के झूठ की सारी बातें यहां जा जा करके लोगों तक पहुंचाएं। इतना ही नहीं, आप मतदान के दिन भारी संख्या में केंद्र पर, मतदान केंद्र पर जाकर के मतदान करके इन कांग्रेस जेएमएम के झूठ का पर्दाफाश कर देंगे, उनके झूठ को बेनकाब कर देंगे और कमल के निशान पर बटन दबा करके फिर एक बार 19 साल के झारखंड को नई ताकत देंगे। ये मेरा विश्वास है। याद रखिएगा, ये चुनाव झारखंड के विकास के लिए है। ये चुनाव दिल्ली और रांची में चल रहे विकास के डबल इंजन को बनाए रखने के लिए है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ कमल निशान आपको याद रखना है। एक बार फिर इतनी बड़ी तादाद में आप सभी आशीर्वाद देने के लिए आए, हमारे सभी साथियों को आशीर्वाद देने के लिए आए, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए माननीय संजय सेठ जी, रांची के सांसद से आग्रह करता हूं कि आए हम सब लोगों के बीच में। धन्यवाद।